सर हम लोगों ने एक इंस्टेंस को बनाकर देखा था। हाँ हाँ और मैंने आपको बताया कि इंस्टेंस जब आपका बन जाता है तो सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टेंस स्टेटस चेक के बारे में बता दिया था। ऐसे आप सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जो इंस्टेंस आपको मिलती है उसकी डिटेल्स अगर आप जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखो इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिलती है। इंस्टेंस आईडी, पब्लिक आईपी विद प्राइवेट आईपी, पब्लिक डीएनएस, प्राइवेट डीएनएस, होस्ट नेम, इंस्टेंस का टाइप, इलास्टिक आईपी, बोले तो स्टैटिक पब्लिक आईपी, कौन सी वीपीसी में गई है, सबनेट, इंस्टेंस के बारे में डिटेल, उसमें ईएमआई कौन सी लगी है, कर्नल आईडी कौन सी है, लॉन्च टाइम क्या है, ईएमआई का लोकेशंस क्या है, सारी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ मिलेगी। मॉनिटरिंग में आओगे तो इंस्टेंस की मॉनिटरिंग आप देख सकते हो, सीपी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क आउट इन, सारी चीजें। सिक्योरिटी में आओगे तो फायरवॉल से रिलेटेड होगा कि जो फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है उस पर कौन सा पोर्ट अलाउ हुआ है, ये सारी चीजें। नेटवर्किंग में वही कि एक मशीन कौन सी नेटवर्क पे क्या, स्टोरेज हार्ड ड्राइव कौन सी है और टैग सिस्टम। अब हम लोग जरा बात करें कि ये लोग प्राइस कैसे चार्ज करते हैं। तो AWS आपको कहता है कि आप अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है AWS पे तो आपको 12 मंथ की फ्री टियर सर्विस मिलती है। अगर उस 12 मंथ की फ्री टियर सर्विस में अलग अलग सर्विसेज आती हैं, जैसे EC2 अलग मिलेगा, ठीक है, स्टोरेज अलग मिलेगा, ऐसे अलग अलग है। तो अगर हम लोग EC2 सेक्शन की बात करें, इसकी बात करें EC2 सेक्शन की बात करें तो EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। क्या? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो ये आपसे पता क्या बोलते हैं, इनके इंस्टेंस के ना नंबर ऑफ टाइप है। नंबर ऑफ टाइप का मतलब इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। जैसे इन्होंने इंस्टेंस बनाया फैमिली, पहले इन्होंने फैमिली बनाई, फिर टाइप बनाया, फिर उसके बाद साइज बनाया। तो अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो फैमिली किस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है, इन्होंने यूज केस के अकॉर्डिंग फैमिली बनाया। इन्होंने कहा आपका अगर नॉर्मल यूज केस है तो आप जनरल पर्पस फैमिली के साइड मूव करो, अगर आपका यूज केस हाई मेमोरी वाला है तो हाई मेमोरी की फैमिली इनके पास, अगर आपका यूज केस हाई सीपीयू का है तो हाई सीपीयू के साइड रिकमेंड करते हैं कि आप उधर साइड मूव करो उस फैमिली के साइड। ग्राफिक्स कार्ड का है तो ग्राफिक्स कार्ड के साइड आपको मूव करते हैं। ये मतलब कस्टमर्स के यूज केस के अकॉर्डिंग इन्होंने फैमिली कैटेगराइज किया और फिर फैमिली के अंदर इन्होंने टाइप बनाया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, और टाइप्स के अंदर इन्होंने साइज बना के आपको दिया। क्या बना के दिया? साइज। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ AWS EC2 इंस्टेंस टाइप करूँ, यहाँ क्लिक करूँ, तो ये इनकी फैमिली है जैसे जनरल पर्पस,
और इस फैमिली का यूज केस भी लिखा हुआ है। कह रहे जनरल पर्पस जो फैमिली है उसका यूज केस क्या है, देखो। जनरल पर्पस इंस्टेंस प्रोवाइड द बैलेंस ऑफ कंप्यूट मेमोरी नेटवर्किंग रिसोर्सेस एंड कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ डिजर्व वर्कलोड। दीज इंस्टेंस आर आइडियल फॉर द एप्लीकेशन दैट यूज दीज रिसोर्सेज इन इक्वल सच एज वेब सर्वर्स एंड कोड रिपोजिटरी। तो नॉर्मल यूज केस के लिए ये लोग आपको रिकमेंड कर। फैमिली के अंदर ये टाइप है, तो टाइप के अंदर अगर आप जाओ, जैसे T2 टाइप में आप जाते हो, तो T2 टाइप का यूज केस यहाँ लिखा है। कह रहा है वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बिल्ड सर्वर कोड रिपोजिटरी माइक्रो सर्विस टेस्ट एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट एंड लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। इस पर्पस के लिए ये बना हुआ है। टाइप के अंदर साइज है, टाइप T2 नैनो साइज, टाइप T2 साइज माइक्रो, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स लार्ज, ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन। नैनो लिया 1 वर्चुअल CPU 512 MB रैम, 1 वर्चुअल CPU 1 GB रैम, 1 वर्चुअल CPU 2 GB रैम, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम। नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट, लो टू मॉडरेट ये लेते हैं 256 GB रैम। नेटवर्क परफॉर्मेंस 20 Mbps अप टू 10 Gbps। 20 कंप्यूट ऑप्टिमाइज में जाओगे, सीपीयू मेमोरी ऑप्टिमाइज में अगर हम लोग जाएं और हाई मेमोरी टाइप में जाएं तो आप देखो 24,000 GB रैम मिल रहा है एक EC2 के ऊपर, एक कंप्यूटर सिंगल। नेटवर्क परफॉर्मेंस 38 Mbps। नेटवर्क बैंडविड्थ 100 Gbps है, स्टोरेज का बैंडविड्थ 38 Gbps है। ये नेटवर्क बैंडविड्थ है और स्टोरेज बैंडविड्थ है, क्योंकि स्टोरेज भी तो डिफरेंट रिसोर्स है, स्टोरेज और नेटवर्क नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहा। प्रोसेसर स्टोरेज ऑप्टिमाइज में जाओ, यहाँ देखो D3EN में करो। ओ भाई देख रहे हो 7,000 Gbps, सॉरी Mbps है, सॉरी सॉरी। नेटवर्क बैंडविड्थ देखो 25, गजब परफॉर्मेंस हो गई थी। सबसे अच्छा देखो तो यहाँ पे मिल रहा है, वहां तो Mbps का। तो इनके पास बहुत सारे टाइप हैं। अब ये आपसे बोलते हैं कि फ्री टियर पे हम आपको जनरल पर्पस के अंदर T2 टाइप के अंदर, जनरल पर्पस के अंदर T2 टाइप के अंदर आपको माइक्रो नाम का इंस्टेंस फ्री में देते हैं। माइक्रो और उसकी भी कंडीशन है कि 1 मंथ में, 1 मंथ में आप 750 आवर्स यूज कर सकते हो ओनली, ऐसे 12 मंथ तक यूज करोगे 750 आवर्स। 750 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 750 आवर्स का मतलब हो गया कि आप 750 आवर्स EC2 की सर्विस यूज कर सकते हो 1 मंथ। कंडीशन क्या है, T2 माइक्रो लोगे बस,
बाकी अगर कोई लिया तो नहीं है फ्री में। अगर आपने 7T2 डॉट माइक्रो इंश्योरेंस मान लो क्रिएट किया, और अगर मैं क्रिएट करके छोड़ दूं, तो एक दिन में मैंने 24 आवर्स यूज कर लिया। कितने कर लिया एक दिन में? एक दिन में मेरे 24 आवर्स यूज हो गए। और अगर मैं 31 डे यूज करता हूं, तो कैलकुलेट करो जरा कितना हुआ। सेवन फोर्टी फोर आवर्स मैंने यूज कर लिए, 744 1 मंथ। अब आपके 6 आवर्स आपको और मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करो और उसको भी आप 6 घंटे और चला लो, तो आपके 750 आवर्स कंप्लीट होंगे। अगर दूसरा इंस्टेंस 6 घंटे से ऊपर चला गया, तो उसका बिल बनेगा। क्या बनेगा? बिल बनेगा। अब बिल में क्या बनेगा? बिल अगर हम लोग देखें तो उसका बिल क्या बनेगा, प्राइसिंग सेक्शन में जाओ, तो यहां पे आया, मैंने रीजन सेलेक्ट किया यूएस नॉर्दर्न वर्जीनिया EC2 कॉन्फिगर, नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, इंस्टेंस की फैमिली बता दो T2, T2 के अंदर T2 डॉट माइक्रो, ये प्राइस है। मंथली कितना बनेगा? 4.23 डॉलर। कितना बनेगा? 4.23 डॉलर मंथली। ये तो पूरे मंथ अगर आपने चलाया तो बनेगा। अब 6 घंटा अगर आपने 750 आवर्स के ऊपर 10 घंटा यूज करते हो, तो ये देखो मंथली सॉरी आवरली प्राइस है। तो अगर इस आवर प्राइस को कैलकुलेट करूं, तो AWS से आपसे आवरली चार्ज क्या लेगा? मान लो 750 आवर्स के ऊपर आप 50 घंटा एक्स्ट्रा चलाते हो, 10 घंटा एक्स्ट्रा चलाते हो, तो क्या बिल देना पड़ेगा आपको AWS को? 0116 मल्टीप्लाई 10 घंटे अगर चलाया तो इतना। अगर 50 घंटे यूज किया तो इतना, अगर 100 घंटे यूज किया तो सौ घंटे एक्स्ट्रा चलाता हूं तो $1 के अराउंड पेमेंट आएगा। कितना आएगा? $1 के अराउंड पेमेंट आएगा। लेकिन दिमाग में ही मत बैठाना कि $1 है, ठीक है यार, 5-6 इंस्टेंस चला के 10 इंस्टेंस चलाएंगे तो $10 आएगा, पे कर देंगे। नहीं, ये सिर्फ $1, ये सिर्फ जो $4 पर मंथ, ये इंस्टेंस का पैसा ले रहा है, वीएम्स का।
लेकिन एक वीएम को लॉन्च होने के लिए स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज का अलग लेकर ध्यान रखना। तो ऐसे समझो AWS आपको एक इंस्टेंस बोल रहा है पूरे मंथ रन कर लो, आपसे पैसा नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा इंस्टेंस चलाते हो तो एक्स्ट्रा आवर्स आपके जाएंगे, और जब एक्स्ट्रा आवर्स आपके जाएंगे तो आपके बिल आएंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे मुझे कोई लैब करनी है, मुझे कोई लैब करनी है, तो मैंने 4 इंस्टेंस क्रिएट किया और 4 आवर्स मैंने लैब किया, तो मैंने 16 घंटे कंज्यूम कर लिया। फिर मैं कल यूज कर लूंगा 2 घंटे, इस तरीके से। अब ये लोग जो काउंटिंग करते हैं कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपने यूज कर लिए, काउंटिंग कैसे करते हैं? ये काउंटिंग करते हैं इंस्टेंस का स्टॉप और स्टार्ट के बेस पे। किसके बेस पे ये काउंटिंग करते हैं? ये काउंटिंग करते हैं स्टॉप और स्टार्ट के बेस पे, स्टॉप और स्टार्ट के बेस पे, स्टॉप और स्टार्ट के बेस पे काउंटिंग करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे ही आपका इंस्टेंस स्टार्ट होगा आपकी बिलिंग साइकिल वहां से स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपका इंस्टेंस स्टॉप होगा आपकी बिलिंग साइकिल वहां पे क्लोज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बैकएंड में इनका जो डेटा सेंटर है, जो इनकी वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, जैसे ये इनका वर्चुअलाइजेशन है बैकएंड डेटा सेंटर का, ये इनका बैकएंड डेटा सेंटर का क्या है, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने इंस्टेंस को स्टार्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपका इंस्टेंस यहाँ पे आके डिप्लॉय हुआ है इस बॉक्स के अंदर। अगर आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो तो ये इंस्टेंस इस बॉक्स को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि आप जरा विजुलाइज करें इंस्टेंस लॉन्च कैसा हो रहा है। इंस्टेंस लॉन्च होने का तरीका क्या है यहाँ पे? इंस्टेंस बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे लॉन्च होता है। जो रैम और सीपीयू है वो तो यहाँ है, ठीक है। जैसे आप इंस्टेंस को स्टार्ट करते हो तो आपका जो स्टोरेज का सेक्शन है, आपका जो स्टोरेज वाला सेक्शन है, जहाँ ये स्टोरेज का सेक्शन है, जैसे आप इंस्टेंस स्टार्ट करते हो तो आपने मान लो 30 GB स्टोरेज लिया, तो 30 GB स्टोरेज यहाँ पे बनी है। कहाँ पे बनी है? 30 GB स्टोरेज यहाँ पे बनी है आपके लिए, ठीक है। और उस 30 GB स्टोरेज के ऊपर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। आपने स्टार्ट किया था ना, तो इमेज वहीं आ गई है 30 GB की स्टोरेज पे। जब आप इंस्टेंस को स्टार्ट करते हो तो ये स्टोरेज इस वीएम पे आकर अटैच हो जाता है और आपकी वीएम ऑन हो जाती है। तो आपकी वीएम को ऑन करने के लिए उसने ये वर्चुअलाइजेशन का स्पेस ले लिया है, यहाँ से रैम और सीपीयू यहाँ से ले लिया है, और ओएस तो हार्ड ड्राइव में। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ना, तो कह रहा था ना कि ईवीएस वॉल्यूम का नेटवर्क परफॉर्मेंस, वो इनके बीच का परफॉर्मेंस दिखा रहा था कि इनके बीच में ये स्पीड मिलेगी, है इनका ही, बट उन्होंने अलग रखा है। और जब आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो तो ये हार्ड ड्राइव वहां से डिटैच हो जाती है। तो जब हार्ड ड्राइव डिटैच हो जाती है तो वापस ओएस यहीं आ जाता है। अब ये स्पेस का क्या करें, ये स्पेस खाली हो जाती है, तो खाली स्पेस को दूसरे को दे देते हैं। तो जब आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो तो इनको लगता है कि कस्टमर जा चुका है, तो आपकी बिलिंग साइकिल वहीं पे क्लोज कर देते हैं, आपकी बिलिंग साइकिल वहीं क्लोज कर देते हैं। तो मेरे बताने का ओवरऑल मतलब ये कि अगर आपने इंस्टेंस को सुबह 9 बजे ऑन किया और 9:05 में आपने स्टॉप किया, तो ये मत समझो कि 5 मिनट का पैसा लगेगा, वो 1 घंटे का पैसा चार्ज कर लेंगे। और ऐसे ही अगर आप 1 आवर्स में 10 बार इंस्टेंस को स्टॉप स्टार्ट करते हो तो आप समझ लो कि आपका इंस्टेंस 1 घंटे में आपने 10 घंटे यूज कर लिया। अब कोई बोले कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, तो कोई कह सकता है कि लूटने के लिए कर रहे हैं। नहीं, उनकी प्लान सिस्टम ऐसा बनाया उन्होंने कि स्टॉप मतलब आप यहां से जा चुके हो, अब ये स्पेस खाली हो गई है, किसी और को अलॉट हो जाएगी। लेकिन
अगर वही पिस्टन को आप रीस्टार्ट करते हो, क्या करते हो? रीस्टार्ट क्या करते हो? स्टॉप स्टार्ट ना करके रीस्टार्ट अगर आप करते हो, तो रीस्टार्ट के केस में ये चीज काउंटेबल नहीं होती, क्योंकि रीस्टार्ट के केस में इंस्टेंस आपका वहां से हट नहीं रहा है, आप जस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट तो नहीं बोलूंगा, रीबूट पट यहाँ पे यूज करूंगा मैं, क्योंकि तो रीस्टार्ट का मतलब स्टॉप स्टार्ट ही होता है, रीबूट। तो रीबूट के केस में क्या होता है कि इंस्टेंस आप बंद नहीं कर रहे हो, आप अपने ओएस को दोबारा से बूट कर रहे हो, रीबूट। तो इसमें काउंट नहीं होता है। समझ आ गई मेरी बात? यहां पर कंफर्म करो एक बारी। यस सर, हरप्रीत क्लियर है? यस। नेक्स्ट। और तो ये जो मेथड यहां पर चल रहा होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑन डिमांड मेथड। क्या कहते हैं? ऑन डिमांड मेथड। तो जितने घंटे आप चलाते हो उतने घंटे का ये पैसा लेते हैं, जब आप नहीं चलाते हो, बंद कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो, तो पैसा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे दो लाइन बोली, आपने इंस्टेंस को बंद कर दिया तो पैसा नहीं लगेगा, टर्मिनेट कर दिया तो पैसा नहीं लगेगा। बंद करने का क्या मतलब है? आप इंस्टेंस को ऑन रखा है तो इंस्टेंस का पैसा जा रहा है, इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया तो पैसा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप उनका स्पेस फिर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप उनका स्पेस यूज नहीं कर रहे तो आपसे चार्ज नहीं करते हो। लेकिन एक इंस्टेंस को लॉन्च होने के लिए ओनली इंस्टेंस नहीं चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। तो अगर आपने इंस्टेंस को स्टॉप किया है तो इंस्टेंस का पैसा तो नहीं लग रहा है जो $4 हमने देखा था, बट उसके साथ जो 30 GB स्टोरेज मिली हुई थी, वो स्टोरेज तो है ना, स्टोरेज का पैसा लेते रहेंगे आपसे। इस इंस्टेंस के साथ स्टैटिक पब्लिक आईपी मिली है ना, उसका पैसा आपसे लेते रहेंगे। पता है? लेकिन अगर आपने इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया, तो टर्मिनेट के केस में क्या होता है कि इंस्टेंस भी चला जाएगा, फिर वो स्टोरेज का रखने का क्या मतलब है, तब आपका पैसा नहीं लगेगा। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा हमने तो ये पढ़ के आए हैं कि 5 इंस्टेंस बना के रखो, जब तक प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस करो, फिर आप स्टॉप कर देंगे, फिर कल चालू करेंगे। लेकिन एक महीने के बाद देखते हैं कि तब भी बिल आ जाता है फालतू का। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि इंस्टेंस तो अपने स्टॉप कर दिया, इंस्टेंस के पैसे तो नहीं लग रहे आपके, बट उस 3 इंस्टेंस के साथ जो 30 30 GB का स्टोरेज मिला हुआ था, तो 120 GB का स्टोरेज तो आपको पड़ा हुआ है ना, उसका पैसा लेगा वो आपसे, क्योंकि स्टोरेज आपको सिर्फ 30 GB फ्री मिलती है। क्या मिलती है? ओनली 30 GB फ्री। समझ आई? अब ये जो ऑन डिमांड, इन सारे मेथड को कहते हैं ऑन डिमांड मेथड, मतलब आप ऑन डिमांड मेथड यूज कर रहे हो, पता है? तो ऑन डिमांड में क्या होता है, ये ऑन डिमांड मेथड सिर्फ यूज किया जाता है लर्निंग पॉइंट के लिए। इंडस्ट्री में हो तो टेस्टिंग पर्पस के लिए कर लो, कि यार कभी कोई एप्लीकेशन बनाया, अब उसको टेस्ट करने के लिए मशीन चाहिए तो दुकान से कौन खरीदे, है ना, फटाफट क्या AWS में बनाया और जब तक करना था टेस्टिंग कर लिया, फिर डिलीट कर दिया, बेस्ट है। लेकिन अगर आप सोचो यार प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये चीज लॉन्च करने जाना है, तो परफेक्ट नहीं है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये चीजें परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन परफेक्ट ना होने का ये है कि इस ऑन डिमांड मेथड को, इस डिप्लॉयमेंट को ऑन डिमांड मेथड हम लोग कहते हैं। तो ऑन डिमांड मेथड में क्या होता है कि आपको ना कैपेसिटी गारंटी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? कैपेसिटी गारंटी नहीं मिलती। तो कैपेसिटी गारंटी का मतलब ये होता है कि आपने इंस्टेंस को स्टॉप जब आप करते हो, तो आप इस ये स्पेस को खाली कर देते हो, और आप जब दोबारा इंस्टेंस को कभी स्टार्ट करोगे ना, तो ये गारंटी नहीं होती कि आपको स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास आपके स्पेस में तो कोई और का इंस्टेंस आ गया, किसी और कस्टमर का आ गया, आपका इंस्टेंस तो दूसरे बॉक्स में जाएगा, और दूसरा बॉक्स खाली नहीं है तो तीसरे में जाएगा, तीसरा नहीं है तो फोर्थ में जाएगा, और पूरे डेटा सेंटर के अंदर बॉक्स ही खाली नहीं है,
मतलब आपने जिस रीजन के अंदर जिस जोन में डिप्लॉय किया है उस जोन के अंदर जितना डेटा सेंटर है वो सारे डेटा सेंटर फुल है, तो आपको ना क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा, आपका इंस्टेंस वेटिंग मोड में चला जाएगा क्योंकि क्यू में हो आप। क्या क्यू में खड़ा होना पड़ेगा? तो क्यू में खड़े होने का क्या मतलब क्या है? प्रोडक्शन, जैसे आज मेरे साथ हो गया एक केस, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑफिस आया, मेरा वॉलेट पार्किंग होता है कार का, वॉलेट पार्किंग फुल हो गया, मेरे को एंट्री नहीं मिली, मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ा। तो आपका अगर प्रोडक्शन इंस्टेंस है तो आप क्यू में तो खड़े होगे नहीं, तो फिर क्या करोगे आप? तब इंडस्ट्री क्या करती है, रिजर्व इंस्टेंस, मतलब मैं अगर रिजर्व पार्किंग लेके रखता तो मेरे को आज क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्शन इंस्टेंस कभी भी ट्रबल शूट पर्पज के लिए आप स्टॉप करोगे, स्टार्ट करोगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप क्यू में चले जाओ, क्यू में जाना पसंद करोगे। तो फिर कंपनी रिजर्व इंस्टेंस के साइड मूव करती है, और रिजर्व इंस्टेंस में जब आप लोग आते हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कैपेसिटी गारंटी मिलती है, आप जब भी आओगे आपके लिए अवेलेबल है, एक बॉक्स आपके लिए खाली रखती है। क्या क्यू में आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा? ये तो चलो ठीक है, कैपेसिटी गारंटी आपको मिल गई कि आपको क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, लेकिन सेकंड बेनिफिट क्या है आपको? सेकंड बेनिफिट आपका हो जाता है प्राइसिंग को लेके। क्या हो जाता है? प्राइसिंग को लेकर, मान लो अगर मैंने ऑन डिमांड इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ T2.micro, 1 month का बिलिंग क्या आ रहा है मेरा, मेरे 1 month की बिलिंग आ रही 4 point कुछ डॉलर, यहाँ पे देखा था अभी मैंने आपको क्या बिल आ रही, 4.23 डॉलर। क्या रही 4 point, ये मंथली बिलिंग आ रही मेरी, ये मैं सिर्फ T2.micro का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बड़े बड़े अपने जो साइज यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी में करोगे। ये 1 month की बिलिंग है, अगर 12 month मतलब 1 साल की बिलिंग कितनी आएगी, $50, 3 साल की बिलिंग कितनी आएगी, $152, 1 साल $50 आएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं रिजर्व, इसी इंस्टेंस को रिजर्व मोड में चलाऊं, तो पहली फायदा क्या है कि कैपेसिटी गारंटी, दूसरा फायदा है बिलिंग प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि आपने रिजर्व कर लिया है। क्या कर लिया है? रिजर्व। तो जो $50 मुझे लग रहा है ऑन डिमांड में, और दूसरी कैपेसिटी गारंटी भी नहीं मिल रही, अगर मैं रिजर्व पे आ जाऊं तो $50 की जगह मुझे $40 में मिल जाएगा, 1 साल में $10 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? $10 का प्रॉफिट हो गया। अब $10 से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप ले सकते हो अगर आप इनकी प्राइसिंग मॉडल को चेंज कर दो, क्योंकि ये आपसे प्राइसिंग मॉडल अलग अलग रखते हैं। जैसे ये कहते हैं कि आपने अगर प्राइसिंग मॉडल हमारे पास तीन है, एक है अपफ्रंट पेमेंट, एक है पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट, एक होता है फुल अपफ्रंट पेमेंट। तो फुल अपफ्रंट पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है सॉरी मैंने थोड़ी गलत बोल दी, एक होता है नो अपफ्रंट पेमेंट, एक होता है फुल अपफ्रंट पेमेंट, और एक होता है पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट। फुल अपफ्रंट पेमेंट का मतलब क्या हुआ? नो अपफ्रंट पेमेंट का मतलब हुआ कि $40 पे आपको मिल तो रहा है, उसकी ना 12 महीने के साथ ईएमआई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ईएमआई 12 मंथ के साथ, हर महीने 3.5 रुपए देते रहो उनको। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट दूंगा, मतलब 50% अभी दूंगा, 50% की ईएमआई बनाऊंगा, तो ₹40 की जगह आपको ₹35 में पड़ जाएगा वो। और अगर आप उनसे बोलते हो नहीं मैं फुल अपफ्रंट पेमेंट दूंगा, तो फिर आपको ₹30 में दे देंगे।
क्यों? क्योंकि आप फुल अपफ्रंट पेमेंट दे रहे हो उनको, और आप बोलते हो नहीं मैं 1 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए रिजर्व करूंगा, तो आपको 25 रुपए में दे देंगे। लेकिन आप फिर यूज करो या ना करो, पैसा हुआ आपसे तब भी लेंगे। यूज करो या ना करो, पैसे हुआ आपसे तब भी लेंगे। फिर ऐसा नहीं चलेगा कि मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो पैसे नहीं दूंगा, बिल आपके पास तब भी आएगा। और रिजर्वेशन आप मिनिमम 1 साल के लिए कर सकते हो, मैक्सिमम 3 साल के लिए। समझ आ गई? हाँ, मान लो अगर बाई मिस्टेक किसी ने रिजर्व कर लिया, अब मैं यार यूज नहीं करना चाहता, तो क्या मैं 1 साल तक पैसे बांटते रहूंगा इनको, AWS वाले? नहीं, उसके लिए फिर AWS आपसे कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, रीसेल पे डाल सकते हो। क्या सर कर सकते हो? रीसेल। तो रीसेल का मतलब क्या हुआ कि मैंने आज इंस्टेंस खरीद तो लिया, अब मैं उसको रीसेल पे डाल दिया, तो AWS क्या करेगा, आपके इंस्टेंस को रीसेल पे लगा देगा। तो उसके पास कोई नया कस्टमर आएगा तो अपना इंस्टेंस ना सेल करके आपको पहले सेल कर देगा आपके इंस्टेंस को। तो मान लो आपने इंस्टेंस आज खरीदा और आपने रीसेल पे डाल दिया, अब इस महीने आपका इंस्टेंस नहीं बिका, अगले महीने नहीं बिका, तो जब तक नहीं बिकेगा तब तक आप बिल दोगे, लेकिन जैसे बिक जाएगा फिर थर्ड पर्सन बिल देगा। अब यहाँ पर लोगों को डाउट होता है कि रीसेल का मतलब मेरा इंस्टेंस चला जाएगा, आपका इंस्टेंस नहीं जाएगा सर, वो स्पेस चला जाता है बस, वो स्पेस जो आपके लिए एक बुक है वो चला जाएगा। आपका इंस्टेंस है कहाँ? आपका इंस्टेंस का सारा डेटा तो स्टोरेज में है ना, स्टोरेज तो तब भी रहेगा। समझ आ गई? कंफर्म करो, क्लियर है? सीक्वेंस समझ आई? बन रही है जैसे कि पीक बन रही है, देखो यस तो रिजर्व इंस्टेंस के बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम लोग जरा रिजर्व इंस्टेंस की प्राइसिंग अगर हम यहाँ पे चल के देखें, तो रिजर्व इंस्टेंस में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देखो, ये था ऑन डिमांड, ठीक है, रिजर्वेशन। तो ऑन डिमांड में देखो कितना आ रहा था, $8 आ रहा, देख लो। और रिजर्व में क्लिक करूं रिजर्व इंस्टेंस में देखो कितना आ रहा है, 1 साल का 6, 3 साल का 4, नो अपफ्रंट पेमेंट, ऑल अपफ्रंट पेमेंट करता हूँ। देखो ऑल अपफ्रंट पेमेंट में 3 साल के $136 लग रहे हैं, ऑन डिमांड में कह रहा है यूटिलाइजेशन परसेंटेज पर मंथ 100% यूज करूंगा, तो देखो $8। समझ आई? क्लियर है ना? तो देखो जब आप अगर इंस्टेंस में आओ तो यहां देखो रिजर्व इंस्टेंस देख रहे हो, तो जब आप परचेज करते हो रिजर्व इंस्टेंस तो आपको बताना पड़ता है कि किस प्लेटफॉर्म का आपको परचेज करना है। तो पहले आप सर्चिंग में डालोगे,
टेनेंसी किस टाइप का चाहिए, डिफॉल्ट या डेडिकेटेड? ऑफरिंग क्लासेस क्या चाहिए, कन्वर्टेबल या स्टैंडर्ड? मतलब अगर स्टैंडर्ड लोगे तो आप उसके टाइप को कन्वर्ट नहीं कर सकते बाद में, कन्वर्टेबल लोगे तो कन्वर्ट कर सकते हो कि कल को यहाँ से वहाँ जा सकते हो। मैंने बोला एनी, मतलब हर हर क्लासेस के दिखाओ टर्म्स, 1 साल वाले देखना है या 12 से 36 महीने, एनी दिखाओ। साइज बता दो किसका देखना है, T2.Micro का देखना है मुझे। पेमेंट ऑप्शन क्या रखना है आपको, एनी आप सर्चिंग में डाल दो तो सर्च करके दिखा देगा आपकी डिमांड के हिसाब से। कह रहा ये एक इंस्टेंस है, 12 मंथ के लिए मिलेगा और ये इसका कॉस्ट बनेगा 1 ईयर का। स्टैंडर्ड है ये, कन्वर्टेबल है। जो भी आपको लेना है सेलेक्ट करो, यहाँ आ जाओ। ये लेना है तो ऐड कार्ट में क्लिक करो, ठीक ये आपको बता रहा है। व्यू कार्ट में क्लिक करो, ऑल अपफ्रंट पेमेंट है, ऑर्डर कर दो। लेने लेना मत, देखो कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। समझ आई? आगे चलो। अब ये तो आप एक इंस्टेंस ले रहे हो, अगर मुझे ये पूरा रैक लेना है तो क्या करूंगा? पूरा रैक लेना है तो पूरा रैक लेना है तो फिर ये कहते हैं कि आपको पूरा रैक चाहिए तो पूरा रैक मिल जाएगा। डेडिकेटेड होस्ट क्या है? डेडिकेटेड होस्ट जिसमें आपको पूरी रैक मिल जाएगी, अलॉट द डेडिकेटेड होस्ट। आप नाम बताओ और फैमिली बताओ। तो मान लो मैंने T2 लिया, T2 अवेलेबल नहीं है डेडिकेटेड में क्योंकि वो तो बच्चों वाला है। A1 लिया तो मुझे एक रैक मिल जाएगा जिसके अंदर A1 टाइप के इंस्टेंस डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा रैक आपको मिल जाएगा इस टाइप से। मतलब इससे सियोरिटी क्या हो जाती है, क्योंकि पहले क्या था कि आपके रैक में, इसी रैक में आप भी हो, अदर क्लाइंट भी है, सारे लोग एक ही नेटवर्क सॉकेट यूज कर रहे हो, आपको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। आपने पूरी रैक ले ली, इस पूरी रैक के अंदर आपने अपने सर्वर्स रखे हो बस। इससे आपको थोड़ा कंफर्मेशन हो गया यार कि बैकेंड में जो डेटा सेंटर हमें मिला है उसके अंदर सिर्फ हमारा ही VM से और किसी का नहीं है। ऐसे ही हम लोग देखें यहां पर, देखो स्पॉट रिक्वेस्ट है, ये क्या करता है AWS, क्या करता है, इनका जो रैक है, इन रैक के अंदर इन्होंने कुछ इंस्टेंस ऑन डिमांड में दे रहे हैं, कुछ इंस्टेंस रिजर्व में दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो रैक के अंदर कोई स्पेस खाली पड़ा हुआ है तो खाली स्पेस को यूज करने के लिए उन्होंने एक नया प्लान निकाला। और वो नया प्लान क्या है कि लोगों को ना अच्छा खासा ऑफर दे के उसको बिडिंग उस पे डाल दो। क्या डाल दो? बिडिंग में डाल दो और इसको स्पॉट बोल देते हैं। तो बिडिंग में डालने का बेनिफिट क्या हो जाता है, क्यों इंस्टेंस आप में आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाता है। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि मान लो अगर किसी को 2 रुपए में, आपने 2 रुपए में खरीदा, अगर कोई 3 रुपए देगा तो उसको दे देंगे फटाक से 2 मिनट के अंदर। तो स्पॉट इंस्टेंस बहुत हिसाब से ही लेना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन में यूज अच्छा खासा होता है। क्यों होता है अच्छा खासा? क्योंकि जो इंस्टेंस होते हैं वो हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर।
और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ऐसा होता है कि लोड इंक्रीज होगा तो मशीनें आएंगी और लोड डिक्रीज होगा तो मशीनें निकल जाएंगी। मतलब मशीनों को लॉन्ग टाइम तक रखना नहीं है हमें भी। तो अगर कोई मशीनों को लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना तब तो स्पॉट इंस्टेंट बेस्ट है, क्या दिक्कत है? ऐसी प्राइसिंग लगा दो कि कोई उससे उससे ज्यादा दे ना रहा हो, आप बेनिफिट में जाओगे। क्योंकि तो भाई लोड नहीं है, और लोड ना होने से अगर मशीनें निकल जाएंगी तो ऐसे इंस्टेंट को रिजर्व लेके क्या करोगे आप? या तो ऑन डिमांड लो या तो स्पॉट लो। ऑन डिमांड लोगे तो पैसा ज्यादा लगता है, स्पॉट ले लो बेस्ट है। तो पूरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो पूरी कॉम्बिनेशन कैसे बनती है कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्या करते हो, एक तो मिनिमम इंस्टेंस वैल्यू बताओगे। मिनिमम क्या बताते हो? मिनिमम इंस्टेंस वैल्यू। और एक आप बताते हो मैक्सिमम इंस्टेंस वैल्यू। क्या बताते हो? मैक्सिमम। तो मान लो अगर मैंने मिनिमम इंस्टेंस वैल्यू 10 बताया है और मैक्सिमम इंस्टेंस वैल्यू मैंने यहाँ पे 100 बताया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिनिमम इंस्टेंस वैल्यू का मतलब हो कि मेरे नेटवर्क पे, मेरे डेटा सेंटर में लोड अगर 0% भी रहेगा तो भी मेरे मिनिमम इंस्टेंस चलते रहेंगे, और लोड इंक्रीज होंगे तो इंस्टेंस बढ़कर 100 तक चले जाएंगे। तो मैंने जो मिनिमम इंस्टेंस, मतलब मेरे को 10 इंस्टेंस हमेशा रखने हैं, तो उन 10 इंस्टेंस में मेरे रिजर्व रहेंगे, क्योंकि मुझे पता वो हमेशा रखने, लोड रहे या ना रहे हमेशा रखना है, तो क्या होंगे? रिजर्व रहेंगे। लेकिन 10 के बाद, लोड बढ़ने के बाद, 10 इंस्टेंस के बाद, अब इंस्टेंस जो आएंगे वो लोड इंक्रीज होने के बाद आएंगे, और नहीं होगा इंक्रीज तो नहीं रहेंगे। तो लोड इंक्रीज होने के बाद जो इंस्टेंस आएंगे उनको आप ऑन डिमांड रखोगे या स्पॉट रखोगे? तो बेस्ट होता है स्पॉट रखो, क्योंकि ऑन डिमांड 8 रुपए का पड़ रहा तो स्पॉट 2 रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन स्पॉट के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कोई ज्यादा पैसा देगा तो हट जाएगा। तो इस केस में क्या करो कि मान लो आपकी मैक्सिमम इंस्टेंस वैल्यू 100 है ना, तो आप 120 कर दो, 20 एक्स्ट्रा ले लो, तब भी आप फायदे में रहोगे क्योंकि लो प्राइस में मिलता है। और ऑटो स्केलिंग में तो फिर भी कोई कंफर्म नहीं कौन सा आना कौन सा नहीं जाना। समझ आ गई? हाँ जी। समझ तभी जब आप ऑटो स्केलिंग वगैरह बनाते हो ना लोड बैलेंसर, तो आपसे पूछता है कि स्पॉट लोन लेना है क्या लेना है, इसलिए पूछता है। आप करंट प्राइसिंग भी देख सकते हो, प्राइसिंग हिस्ट्री लेना है, इसका लेना कोई कुछ नहीं है, क्यों क्यों क्लिक करो जैसे इंस्टेंट बनाते हो वैसे मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर देखो सेविंग प्लान है। एक सेविंग प्लान क्या करता है? सेविंग प्लान आपका बनाया गया है आपके पैसे को सेव करने के लिए। सेविंग प्लान में ऐसा होता है कि हमारा AWS के साथ ना एक एग्रीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे आपने देखा हो, देखे होंगे कि आप पेट्रोल पंप में जाओ पेट्रोल डलवाने, तो पेट्रोल पंप वाले ना आपको एक कार्ड बना के दे देते हैं और कहते हैं कि ये कार्ड 500 रुपीज़ का है, आप एक बार ले लो और 1 साल तक अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके पेट्रोल डलवाओगे तो आपको 5% या 10% का डिस्काउंट देंगे। ऐसे आप स्टारबक्स पे जाते हो तो वो अपना स्टारबक्स वाले अपना कार्ड बना के दे देते हैं और कहते हैं कि इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आप सबको पता है, कहीं भी जाओ होता नहीं होता ऐसा? तो ऐसे ही AWS के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है सेविंग प्लान, जिसमें AWS को आपने कमिटमेंट कर दिया कि हर महीने मैं आपको $10 दे रहा हूँ। उसके बाद आप कितने भी ऑन डिमांड इंस्टेंस बनाते हो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया करेंगे वो, किसी भी टाइप का। तो सेविंग प्लान एक्टिवेट अगर आप कर लेते हो तो परचेज सेविंग प्लान में क्लिक करोगे तो आप इनसे सेविंग प्लान ले सकते हो। यहाँ से जाके देखो देखो टर्म्स बता दो, 1 ईयर के लिए चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीजें, सेविंग प्लान कब कैंसिल करना है, सारी चीजें आप ले लो। ठीक है, मेरे को लेना नहीं है अभी।
क्वेश्चन था एक, नाम क्या? जी जी आप बिल्कुल। जैसे अभी आगे चल के हम जैसे उसका प्रोबेबिलिटीज का क्लस्टर बनाएंगे, कुछ और चीजें बनाएंगे, ईकेएस बनाएंगे, या फिर दो सर्वर लेंगे उसका क्लस्टर बना लेंगे, तो उस केस में भी हम क्या मतलब ऐसे मतलब 1 साल के लिए 1 महीने के लिए कुछ सर्वर ले सकते हैं, जिससे कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस ना, हमारी ज्यादा तो मतलब ज्यादा होगी नहीं जरूरत, हमने कोई हाई लेवल एप्लीकेशन चलानी है या कुछ हैवी वेबसाइट चला देनी है, तो उस केस में हम ले सकते हैं ऐसा, जैसे आप बोल रहे हो कि बिडिंग के दौरान हम दे सकते हैं हाँ हाँ और ले थोड़ा सकते हो, चीप इन्वेस्टमेंट जैसे था। ठीक ले सकते हो। ठीक है, थैंक ऐसे यहां पर देखो, एक है कैपेसिटी रिजर्वेशन। ये क्या करता है? कैपेसिटी रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि आपने इंस्टेंस को रिजर्व नहीं किया, है ना। चलो मान लो आपने इंस्टेंस रिजर्व ले लिया, आपने स्पॉट ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन कभी कभार तब भी आपको कुछ इंस्टेंस चाहिए होगा टेस्टिंग पर्पस के लिए, कभी कभार लॉन्च करने के लिए ऑन डिमांड। और मान लो अगर उनकी सारी कैपेसिटी फुल है तो आपको फिर मिलेगी नहीं। तो कंपनी क्या करती है ठीक कि उनके डेटा सेंटर के अंदर ना कुछ स्पेस रिजर्व कर लेती है, मतलब इंस्टेंस नहीं, स्पेस को रिजर्व कर लेती है बस, कि इसके 4 स्पेस मुझे दे दो, अभी मेरे पास इंस्टेंस नहीं है, जब होंगे तो मैं लॉन्च कर लूंगा। तो इसको कहते हैं कैपेसिटी रिजर्वेशन। आपने 4 कैपेसिटी उनका रिजर्व कर लिया है, कभी इमरजेंसी केस में हमें ऑन डिमांड चाहिए होगा टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए तो यहाँ पे बना लिया करेंगे। तो ये कैपेसिटी रिजर्वेशन भी देते हैं। ऐसे ही लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट वही है कि आपको इंस्टेंस बनाना, बार बार इंस्टेंस बनाना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप टेम्पलेट में डिफाइन कर दो। एक मिनट रुकना, हेलो हेलो। अंकित अभी 15 मिनट से कॉल करना, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेम्पलेट आपने बना लिया इस तरीके से, मतलब टेम्पलेट का मतलब कुछ नहीं है, कल जो मैं इंस्टेंस बना रहा था ना तो उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन पुट कर रहा था ना, वही टेम्पलेट में आप पहले से डिफाइन करके रेडी करके रख देते हो। तो कल को अगर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस बार बार बनाना, तो आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन देने की जरूरत नहीं, टेम्पलेट को लॉन्च कर दो बस। तो ये यूज होता है कब पता है? ऑटो स्केलिंग के केस में, क्योंकि लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस आएंगे वो क्या कैसे आएंगे, तो टेम्पलेट ही बना के आप रख दोगे, तो टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लिया करेंगे। ये टेम्पलेट है, देख लो ये सेम वैसे ही है जैसे कल इंस्टेंस बना रहा था, वही सारी कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है यहाँ पे बस। ठीक और जरा इनकी प्राइसिंग सेक्शन में आऊँ, अगर मैं प्राइसिंग में आऊँ तो किसी भी इंस्टेंस का प्राइसिंग देखो किस तरीके से एस्टिमेट हम लोग निकालते हैं। अगर निकालने की बात करें तो ऐसा मत समझना किसी भी इंस्टेंस बस से प्राइसिंग हो जाती है, एक इंस्टेंस अगर मैं ले रहा हूँ तो प्राइसिंग देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मैंने ये इंस्टेंस लिया मान लो, T2 लिया, ठीक है, ये इंस्टेंस लिया, तो इंस्टेंस के साथ क्या क्या लूंगा मैं? मान लो ये ऑन डिमांड प्राइसिंग और रिजर्व तो अलग बात हो गई, इसके साथ आप स्टोरेज लोगे, ठीक है, तो स्टोरेज का टाइप होता है, कौन सा स्टोरेज लोगे, कितना GB स्टोरेज लोगे? मैंने 500 GB लूंगा, ठीक है, पर ये तो IOPS है। मैंने बोला 10,000 IOPS लूंगा मैं, प्राइस देखो बढ़ गया, 1,000 लूंगा, 1,000 फ्री मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरेज अमाउंट में 100 GB लूंगा, देखो प्राइस बढ़ गया। उसके स्नैपशॉट बनाऊंगा मैं, कितना बनाऊंगा? डेली 10 GB का स्नैपशॉट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा बैकअप में, प्राइस बढ़ गया। उसकी मॉनिटरिंग करूंगा, डिटेल मॉनिटरिंग करूंगा, तो प्राइस बढ़ गया। डेटा ट्रांसफर होगा, ये मशीन कुछ डेटा ट्रांसफर करेगा, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनेट फ्री है, ऑल अदर रीजन फ्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इंट्रा रीजन डेटा ट्रांसफर होगा मेरा 100 GB के अराउंड, TB है 100 GB, देखो बढ़ गया फिर भी। आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर करूंगा मैं, ये लो 100 GB,
देखो प्राइस बढ़ गया, कुछ एडिशनल कॉस्ट। तो इस तरीके से देखो, ये एक एस्टिमेट बिल निकल के आएगा इसका, व्यू समरी में करो। ये देखो कह रहा 12 महीने का इतना बनेगा एस्टिमेट, समझ आई? किसी को मेल करना तो ऐसे शेयर कर दो इसको, यहाँ पे ये लिंक उसे मेल कर दो, वो क्लिक करेगा, खोल के देख लेगा। क्लियर है? सर तो ये है इनका इंस्टेंस का सेक्शन। तो कभी भी खुद डेटा सेंटर बनाना होता है जहाँ पे पैस की सर्विस लेनी नहीं है आपको, और आपको IWS की सर्विस यूज करके डेटा सेंटर तैयार करना, तो ये सारी चीजों को नीट पड़ेगी आपको, पता है? नीट नहीं पड़ेगी, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि जिससे कि बिल हाई ना चला जाए, है ना? प्रॉपर यूज केस के हिसाब से मैं लें, तो बस ये नॉलेज आपको रहनी चाहिए दिमाग में बेसिकली। तो किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? सर मैं तो बाइंड अप करता हूँ आज की क्लास यहीं पे मैं, अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो। टॉपिक क्वेश्चन है सर, जी बोले। देखो सर अगर AWS सर्टिफिकेशन का अगर प्रिपरेशन करना है तो मतलब आप जो पढ़ा रहे हो उसी पे मैं जो करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आई। कुछ नहीं आ रहा, तो ये इनफ रहेगा इसके अलावा कुछ हाँ लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, टाइम कम रहता है, करेक्ट वहीं पे आदमी फंस जाता है बस। एग्जाम उसका एग्जाम की उसके लिए टेंशन मत कैसे लो, सर जब बोलोगे निकलवा दूंगा। समझे क्या बोले सर। एग्जाम एग्जाम के पीछे परेशान मत हो, जब निकालना होगा बता देना, निकलवा दो। चलो फिर मिलते हैं कल। तो सर ओके।